हेलो दोस्तों, हम हैं कॉमिक कजन्स और आज इस वीडियो में हम शी-हल्क वेब सीरीज के विलेन एबोमिनेशन के ओरिजिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका इंट्रो हुआ मार्वल कॉमिक्स में। अब मार्वल ने शी-हल्क के वेब सीरीज में जैसे एबोमिनेशन एके एमिल ब्लॉन्स्की को एक शरीफ कैरेक्टर में दिखाया है, वो उसका पूरा ऑपोजिट है। ओ बाय द वे, एज अ बोनस, हम शी-हल्क के पिछले एपिसोड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स को डिस्कस करेंगे जो एमसीयू के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हाँ, वैसे क्वांटिटी में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी ईस्टर एग्स बहुत सारे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एबोमिनेशन एमसीयू में भी एमिल ब्लॉन्स्की है, जिसका रोल वही पुराने इनक्रेडिबल हल्क वाले टिम रॉथ प्ले कर रहे हैं। टिम रॉथ के एबोमिनेशन को हम लोगों ने शैंग-ची में भी देखा था, जहां वो वोंग के साथ फाइट करता था। एंड अगर आप एमसीयू में नए हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये एबोमिनेशन की आफत कपूरिया का नाम है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम इस वीडियो में एबोमिनेशन के कॉमिक्स हिस्ट्री एंड ऑरिजिन्स के लेके बात करेंगे। सो एबोमिनेशन ने अपना फर्स्ट अपीयरेंस किया था टेल्स टू एस्टोनिश इशू नंबर 90 में, और इसको भी बनाया था द लेजेंड स्टैन ली और आर्टिस्ट गिल केन ने। एबोमिनेशन हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसका पावर्स भी 90% सेम है हल्क की तरह। एमिल ब्लॉन्स्की एक KGB का एजेंट था जिसने ज़ाग्रेब क्रोएशिया में जन्म लिया था। एमिल को एक काम सौंपा गया था न्यू मेक्सिको के एक फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो लोग क्या चीज़ सीक्रेटली बना रहे हैं। वहाँ का साइंटिस्ट गामा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिनको लीड कर रहा था हमारे चहीते डॉक्टर ब्रूस बैनर। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि ब्रूस कैसे हल्क बना था, तो उसी सेम तरीके से एमिल भी एबोमिनेशन बन गया था जब ब्रूस हल्क को गामा रेडिएशन के ओवरडोजेस से मारने की एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद एमिल ब्लॉन्स्की को लगा कि वो हल्क की तरह हो गया है, लेकिन रेडिएशन और भी ज़्यादा होने की वजह से वो एकदम मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा। फिर भी उसका दिमाग जैसा था वैसा ही रहा। वो सोचता था कि हल्क की वजह से ही ये सब हुआ है, इसलिए एमिल ब्लॉन्स्की डॉक्टर बैनर का जानी दुश्मन बन गया। बहुत बार दोनों के बीच में फाइट हुआ है कॉमिक्स में, और 90% बार हल्क ही जीता है जैसे तैसे करके, बस कुछ बार ही एबोमिनेशन जीत पाया है। डॉक्टर बैनर कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रॉस की बेटी बेटी रॉस से शादी करता है। हाँ, वही थंडरबोल्ट रॉस सिविल वॉर वाला, और जिसका टीम का ऊपर वेब सीरीज भी आने वाला है जिसका नाम होगा थंडरबोल्ट्स। कॉमिक्स में जिस टीम का लीडर है जीमो। तो अब क्योंकि एबोमिनेशन ने अपने वाइफ को खो दिया था, तो एबोमिनेशन बेटी रॉस जब रेडिएशन के वजह से बीमार थी, तब अपना ब्लड मिक्स कर दिया था बेटी के ब्लड के साथ, जिस वजह से बेटी मारी जाती है। एंड बैनर सोचता है कि उसके खुद के शरीर से निकलने वाला गामा रेडिएशन वजह से बेटी मर गई, मगर बाद में जब बैनर को सच्चाई पता चलती है, तब उनके बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ के बाद रॉस ने हल्क को मैनिपुलेट करके एमिल को मारने के लिए भेजा था, मगर एबोमिनेशन किसी तरह से मरते मरते बच जाता है, और उसके बाद उसको मिलिट्री अपने हिफाजत में ले लेता है एंड एक जगह कैद कर देता है, काइंड ऑफ ठीक जैसे हम लोगों ने शी-हल्क के एपिसोड 3 में देखा था। अब शी-हल्क वेब सीरीज में बहुत कुछ कॉमिक्स और द इनक्रेडिबल हल्क मूवीज से मिलती जुलती है, जैसे कि एपिसोड 2 में एमिल और जेनिफर के बीच का बातचीत में हमें पता चला कि ठीक इनक्रेडिबल हल्क मूवी के जैसे स्टोरी हमारे एमसीयू में भी हुआ था। तो यहाँ पर एबोमिनेशन का कॉमिक ओरिजिन खत्म होता है। सो चलो एक बार एबोमिनेशन एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उनको लेके डिस्कस कर लेते हैं। सो एबोमिनेशन टाइटेनिया, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसके साथ टीम अप कर चुकी है। एबोमिनेशन थॉर से भी लड़ाई कर चुका है। वो एक बार मॉडॉक के लिए एम, जो एक हाइड्रा का डिवीशन है, उसके अगेंस्ट भी लड़ा है, और वो मेफिस्टो के बनाया हुआ टीम लीजियन अकर्सड में ज्वाइन करके द बियॉन्डर के खिलाफ लड़ भी चुका है सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर, और एबोमिनेशन नमोर के साथ भी लड़ चुका है। टू बी ऑनेस्ट, इनमें से सिर्फ टाइटेनिया को छोड़ के बाकी सारे पॉसिबल होना अभी के लिए ना के बराबर है।
नेक्स्ट हम सब अबोमिनेशन के पावर्स के और एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अबोमिनेशन के पावर्स ऑलमोस्ट हल्क की तरह ही सिमिलर है, जैसे स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग भी। लेकिन हल्क जैसा पहले पूरा पागलों की तरह तोड़ फोड़ करता था, अबोमिनेशन वैसा नहीं है, क्योंकि वो उसका इंटेलेक्ट एकदम इंटैक्ट है। जस्ट लाइक हमारे एमसीयू का अभी वाला हल्क, एके प्रोफेसर हल्क। एबोमिनेशन के पास मछलियों की तरह गिल्स है, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। वैसे तो एबोमिनेशन हल्क से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एबोमिनेशन अपना पावर बढ़ा या घटा नहीं सकता। लाइक हल्क जो अपने पावर को वो कितना गुस्सा है उसके मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। मतलब हल्क जितना गुस्सा करेगा पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अभी करंटली कॉमिक्स में एबोमिनेशन के पास ऐसी एबिलिटी आ गई है जिससे वो हल्क को चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी उसे ट्रैक कर सकता है। तो चलिए अब सारे इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स को लेके बात कर लेते हैं। पहले तो एबोमिनेशन खुद ही एक ईस्टर एग है, क्योंकि एमएल ब्लॉन्स्की का पार्ट वही पुराने एबोमिनेशन को प्ले करने वाले टिम रॉथ प्ले कर रहे हैं। सब फैंस को नॉस्टैल्जिक लगता है उनके वापस देखकर। और एक कंफर्मेशन भी मिला है इनक्रेडिबल हल्क को लेके कि उसका इवेंट्स एमसीयू में इंक्लूड किया गया है। और अब मैं जो बोलूँगा आई थिंक बहुत लोगों ने ब्रेकडाउन में ही देख लिया होगा, वो है कि जब जेनिफर अपने लैपटॉप में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, तभी स्क्रीन के राइट साइड में बहुत न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर एक न्यूज़ लिखा हुआ होता है बार में कोई इंसान क्लॉज लेके कोई तोड़ फोड़ किया है। हाँ सही समझे, ये वुल्वरिन को लेके एक ईस्टर एग है। फाइनली मार्वल वालों ने वुल्वरिन को लेके कुछ बोला, इसका मतलब एक्समैन भी शायद एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। एंड सेकेंड वाला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो ईस्टर एग तो नहीं है, मगर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड वाले न्यूज़ में लिखा हुआ होता है कि अर्थ के समुद्र से एक इंसान का स्टैचू बाहर निकला हुआ है। यप आप ठीक पकड़े हो, असल में इटर्नल्स को लेके ईस्टर एग है, जो बेसिकली टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो आधा बाहर निकला हुआ था मूवी के लास्ट में, उसको लेके एक ईस्टर एग है। सो बस इन ईस्टर एग्स के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और ऐसे ऑसम कॉन्टेंट देखने के लिए। तो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।